अपने विश्वविद्यालय में सेना के बेमिसाल टैंक को लाने की समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई है। सेना ने मंगलवार को सोवियत संघ के समय का T-55 जंगी जेट आजम खान के विश्वविद्यालय को तोहफे में दिया है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस टैंक को प्रदर्शित किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत आती है जिसे खान का परिवार चलाता है। भारतीय सेना ने रामपुर में आजम खान के आजम खान एम जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस को T-55 टैंक दिया है। इससे पहले सेना ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को चाबुक टैंक दिया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने दावा किया था कि सेना ने उनकी निजी यूनिवर्सिटी को एक लड़ाकू टैंक उपहार स्वरूप दिया है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति खान ने कहा कि उन्होंने सेना से उनके विश्वविद्यालय को और आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था, जिसे छात्र सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। हमें टैंक देने का धन्यवाद, जौहर विश्वविद्यालय को ये सम्मान देने का धन्यवाद, लेफ्टिनेंट जनरल जनाब ठकराल साहब का तशरीफ लाने का, उनके एड्रेस का, और जो कुछ उन्होंने कहा है, जो जज्बात उन्होंने अपने जाहिर किए हैं, उस सब के लिए बहुत धन्यवाद। आजम खान का कहना है कि सेना के साथ मेरे संबंध काफी सौहार्दपूर्ण है और उनसे और हथियार उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। T-55 टैंक के पहले खबर के अनुसार चाबुक टैंक विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए आया था। टैंक के पहुंचने पर स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखे। आजम खान ने कहा कि सेना से हजारों यूनिवर्सिटी ने टैंक के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 11 यूनिवर्सिटी को ये मिले हैं। इस टैंक को 1,96,000 रुपए में यूनिवर्सिटी को दिया गया है। उन्होंने सेना का धन्यवाद भी दिया। सॉलम एंड प्राउड ओकेशन फॉर द आर्मी, इंडियन आर्मी टू हैंड ओवर वॉर वेटरन, अ ट्रू वॉर हीरो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट व्हिच प्लेड इट्स पार्ट in the many, many battles which India won and took part in. This type of association with all academic institutions should continue so that we can continue to motivate the generations which come to these institutions, academic institutions, to get motivated. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैंक को 1968 में सेना में शामिल किया गया था। यह 2011 तक सेना में रहा। 1971 के युद्ध में इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। यह टैंक रात को देखने के अलावा परमाणु जैविक और केमिकल विस्फोट से भी सुरक्षित रह सकता है। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज।